इस एक्सरसाइज से रिलेटेड हमें ये समझना होगा कि कुछ हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जिसको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? जो एक से स्टार्ट होती है, यानी कि एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, जितने भी नंबर, जितनी भी संख्याएं होती हैं, सभी संख्याएं जो हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। बस आपको ये याद रखना है, ये एक से स्टार्ट होती है, ठीक है। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? जो हमारी जीरो से स्टार्ट होती है, यानी कि सभी संख्याएं हमारी पूर्ण होती है, लेकिन उसमें हमारा एक जीरो भी होता है, जबकि प्राकृतिक संख्या में हमारा जीरो नहीं होता। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। अगर हम ये जीरो हटा दें तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है, ठीक है। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें जीरो नहीं है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, प्राकृतिक संख्या हमारी एक से स्टार्ट होती है और सभी संख्याएं प्राकृतिक होती हैं। पूर्ण संख्या हमारी जीरो से स्टार्ट होती है और सभी संख्या हमारी पूर्ण संख्या भी होती है, लेकिन उसमें जीरो भी होता है। उसके बाद हम देखते हैं पूर्ववर्ती और पर्ववर्ती। पूर्ववर्ती और पर्ववर्ती क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में प्रेडिसर एंड सक्सेसर कहते हैं। पूर्ववर्ती मतलब पहले, कोई भी संख्या जिसके अंदर हम एक को घटा देते हैं, एक हम कम कर देते हैं, तो पूर्ववर्ती होती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो। इतनी भी बड़ी संख्या अगर हमने इसमें से वन माइनस कर दिया तो ये इसका जो है पूर्ववर्ती हो जाएगा, इस संख्या का पूर्ववर्ती हो जाएगा ये, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ये कर रखा है। पर्ववर्ती होता है जब हम किसी संख्या में एक जमा कर देते हैं, एक योग कर देते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसमें हमने जब एक जमा कर दिया तो वो उसका क्या बन जाता है, पर्वती बन जाता है। पूर्ववर्ती और पर्वती बहुत ही आसान है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 यानी कि प्रश्नावली 2.1 करने के लिए हमें ये चार पांच थोड़ी सी चीजें हैं जो हमें समझनी है। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, पूर्ववर्ती और पर्वती क्या होता है, ठीक है। सिर्फ हमें इतना ही समझना है। अगर हमें इतना समझ में आ गया तो हम एक्सरसाइज 2.1 अब स्टार्ट कर सकते हैं।